पद्धति, यानी कि मैथड्स ऑफ टीचिंग इन हायर इंस्टीट्यूशनल, ओके, मैथड ऑफ टीचिंग इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण की पद्धति किस प्रकार की होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है, जिस भी स्तर पे, जिस भी लेवल पे जा करके शिक्षण का कार्य करवाया जाता है, शैक्षणिक कार्य हमारा संपन्न होता है, उसमें जो मेथड है, यानी कि उसकी जो पद्धति है, उसकी विधि है, उसका जो तरीका है, हम लोग सेम नहीं रख सकते हैं। अलग अलग वर्ग में, अलग अलग स्टेप्स पे, जिस जिस स्तर पे हम जाते हैं, अलग अलग स्तरों के अनुरूप शिक्षण की पद्धतियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। हमारे कोर्स में शिक्षण संस्थानों में शिक्षण की पद्धति दिया हुआ है। नेट के फर्स्ट पेपर में आपको शिक्षण अभियोग्यता के अंतर्गत ये टॉपिक पढ़ना है। इसको पढ़ने से पहले हम दो चीजें अपने दिमाग में रखेंगे। ये जो पद्धति है, बेसिकली इस पद्धति का केंद्र कहाँ है, यानी कि वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर इस ये जो मेथड्स हैं वो फोकस्ड हैं। केंद्र से मतलब फोकस्ड हैं, सेंटर्ड हैं, ऐसे कौन लोग हैं जिनके ऊपर ये केंद्रित है, ठीक है। एक तो हम केंद्र के ऊपर रखेंगे, दूसरा हम मेथड उपयोगिता के आधार पे पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। हम जो प्रयोग में ले रहे हैं, जो भी मेथडोलॉजी प्रयोग में ले रहे हैं, उसकी कौन सी जगह पे किस तरीके से उपयोगिता है, और हमारे जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनमें किस तरीके से वो उपयोग में लिया जा रहा है। पहली बात हम करेंगे कि केंद्रित शिक्षण विधियां, यानी कि किसके ऊपर फोकस्ड हैं, जिसके ऊपर फोकस्ड हैं उनको अगर हम लोग देखें तो ऐसे केंद्र के पॉइंट हमारे पास दो आते हैं। पहला आता है शिक्षक केंद्रित विधि, ओके, ऐसे मेथड्स या ऐसी पद्धतियां जिसके केंद्र में शिक्षक होता है, टीचर होता है। जब भी हम ज्ञान का या सीखने सिखाने का कार्य प्रारंभ करते हैं, सीखते हैं या फिर सिखाते हैं, तो वो सारे मेथड जिसके केंद्र में शिक्षक होता है, शिक्षक अधिक से अधिक उसका प्रयोग करता है, ऐसे मेथड्स को हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षक केंद्रित विधि। अगर हम उदाहरण के रूप में जाएं तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है अपने पास इन विधियों के, जैसे व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में क्या होता है, आप बताइए। यस, व्याख्यान विधि में टीचर यानी कि शिक्षक एक्सप्लेन करके, बता करके, उसको बोलते हैं ना, कहते हैं कि उसको एलोबरेट करके, यानी कि अपने मुंह से जो है वो व्याख्यायित करके उसका व्याख्यान कर रहा है। ये जो व्याख्यान विधि होती है, ये भी बेसिकली अगर हम लोग देखें शिक्षक के क्षेत्र में, अगर हम लोग देखें शिक्षक किस तरीके से प्रयोग में लेता है, तो व्याख्यान विधि को शिक्षक दो तरीके से प्रयोग में लेता है। एक वो भाषण विधि उसके लिए अपनाता है, और दूसरा प्रदर्शन विधि अपनाता है, ठीक है। जब भी शिक्षक व्याख्यान दे रहा होता है, उसके लिए वो दो विधियों को अपनाता है, भाषण और प्रदर्शन। भाषण से तात्पर्य क्या है, किसी भी तथ्य को या किसी भी पाठ को उस पाठ्यक्रम के अनुसार डिटेल में आपको बोल के पढ़ाना, दैट इज भाषण विधि। दूसरा प्रदर्शन विधि की बात कर रहे हैं हम व्याख्यान में। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैं हूं अभी जो आपको, जो अभी पढ़ाने का मेरा तरीका है, जो विधि अपनाई जा रही है, एग्जैक्टली इस क्लासरूम में हम भाषण विधि को अपना रहे हैं। मैं अपने व्याख्यान दे रही हूँ, भाषण दे रही हूँ, व्याख्यान में मैंने भाषण आपको दिया, और साथ ही साथ मैं आपको ये चीजें दिखा भी रही हूँ, ठीक है, आ रहा है समझ में। मैंने भाषण भी दिया टॉपिक से रिलेटेड, और मैं आपको ये चीज दिखा भी रही हूँ कि हाँ ये दो भागों में विभाजित है, प्रदर्शित भी कर रही हूँ और इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। ये क्या हो गया, व्याख्यान विधि हो गया। दूसरा हम आते हैं पाठ्य पुस्तक विधि।
पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि में क्या होता है, सभी छात्रों के पास किताबें होती हैं, नोटबुक होते हैं, कोई एक टॉपिक जो पढ़ना होता है वो उस नोटबुक में या उस किताब में लिखा हुआ होता है। शिक्षक के पास भी वही नोटबुक या वही किताब होती है, उसको उसका सहारा लेकर के लाइन बाय लाइन पढ़ करके जब वो एक्सप्लेन करता है, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, पाठ्य पुस्तक विधि कहते हैं। तीसरा हम आते हैं कहानी विधि। पाठ को और भी अच्छे तरीके से समझाने के लिए बहुत ही उम्दा तरीके से, यानी कि जो हमारा विषय है उस विषय वस्तु को प्रेजेंटली जिस तरीके के स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को हम क्या करते हैं, शिक्षक क्या करता है, एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक दुनिया में उनको ले जाता है, एक स्टोरी क्रिएट करता है। स्टोरी क्रिएट करने के बाद जो है वो उस विषय वस्तु को स्टूडेंट्स के सामने रखना चाहता है। जब शिक्षक के द्वारा ये विधि अपनाई जाती है, यानी कि कुछ कहानियों का प्रोविजन वहां पे रखा जाता है, किसी पुरानी कहानी के साथ उसको जोड़ करके पाठ को पढ़ाए, या कुछ नया अपना क्रिएट करके काल्पनिक शक्ति से वो कुछ स्टूडेंट्स को कहानी विधि में पढ़ाए, तो ऐसी जो विधि वहां पे अपनाई जाती है वो क्या होती है, कहानी विधि। चौथा है यांत्रिक विधि, जिसको हम मैकेनिकल मेथड भी कहते हैं। यांत्रिक विधि में क्या होता है, अलग अलग उपकरणों का प्रयोग जो है शिक्षक के द्वारा किया जाता है। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाने के साथ साथ आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आप तक आवाज पहुंचाने के लिए मैंने अभी माइक लगा रखा है, ये क्या हो गई, यांत्रिक विधि हो गई। इसके साथ साथ अगर मैं LCD प्रोजेक्टर का प्रयोग यहाँ पे करूँ, अगर मैं ओवर हेड प्रोजेक्टर का यहाँ पे प्रयोग करूँ, अगर मैं कोई वीडियो आपको डिस्प्ले कराना चाहती हूँ, आपको ये समझाने के लिए को रिलेट करके कहीं से कोई आपको एक छोटी सी पटकथा दिखाना चाहती हूँ वीडियोस के माध्यम से, तो अगर इस तरीके की विधि मैं अगर क्लास में अपना रही हूँ तो वो कौन सी विधि होगी, यांत्रिक विधि। इसी तरीके से और भी कई सारी विधियां हैं जो शिक्षक के द्वारा अपनाई जाती हैं और शिक्षक के ऊपर केंद्रित होती हैं। दूसरी विधि हम आते हैं, दूसरी विधि हमारी होती है छात्र केंद्रित विधि। छात्र केंद्रित विधि, ये विधि कौन सी होती है, ये विधियां ऐसी होती हैं जिसके केंद्र में छात्र होता है, यानी कि उसी के ऊपर फोकस्ड होता है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में जाएं कि हमारे पास छात्र केंद्रित विधियां कौन कौन सी हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ मेथड्स हैं जो स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस्ड हैं, जैसे खेल विधि, विभिन्न प्रकार के खेल को खेल करके बच्चा कुछ सीखने का प्रयास करता है, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला के अंदर, अच्छा प्रयोगशाला बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर करना चाहूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि प्रयोगशाला विधि जो होती है वो शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत आती है, क्योंकि शिक्षक की निगरानी में या शिक्षक के सुपरविजन में ये विधि जो है अपनाई जाती है। मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो प्रयोगशाला विधि होती है वो 100% स्टूडेंट्स के द्वारा प्रयोग में ली जाती है। हाँ बात सही है, हम सही बोल रहे हैं कि शिक्षक के द्वारा सुपरविजन होता है। शिक्षक क्या होता है, स्टूडेंट को या विद्यार्थी को गाइड करता है, ठीक है, उसको एक पथ प्रदर्शन मार्गदर्शन देता है कि ऐसे ऐसे ये स्टेप्स के बाद आपका रिजल्ट ये आना चाहिए, यानी कि उन्होंने एक सीक्वेंस, एक फ्लोचार्ट बना के स्टूडेंट को बता दिया कि आपको प्रयोग करते समय यहाँ से प्रारंभ करके आपका रिजल्ट ये देखना चाहिए। उन्होंने सिर्फ निर्देशन दिया, शिक्षक ने इस विधि का प्रयोग नहीं किया सीखने के लिए, ठीक है। सीखने के लिए कौन इसका प्रयोग कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो प्रयोगशाला में जाता है और वो इसका प्रयोग करके जो भी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जो जारी है, शिक्षक के द्वारा जो उसको मार्गदर्शन दिया गया है, उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए वो इस विधि का प्रयोग करता है, ठीक है। हाँ
बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत सारी जगहों पे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कि प्रयोगशाला विधि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है या प्रयोगशाला विधि किसके ऊपर केंद्रित है, इस तरीके के अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा ये छात्र के ऊपर केंद्रित है। केंद्रित से मतलब क्या है, फोकस्ड या सेंटर्ड से मतलब क्या है कि वो उसका प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि कौन इसका प्रयोग सब सर्वाधिक कर रहा है, ज्यादा कर रहा है या पर्पजली कर रहा है। तो अगर ऐसी विधि को हम लोग देखते हैं प्रयोगशाला को, तो छात्र इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, एक नया टर्म है ह्यूरिस्टिक विधि। इस विधि में क्या है, इस विधि की क्या विशेषता है? ये विधि ऐसी होती है, इसमें एक टॉपिक मिल जाता है और कोई भी मेंटर, कोई भी गाइड स्टूडेंट के सामने, विद्यार्थी के सामने नहीं होता है। एक कोई भी समस्या छात्र के पास आ जाती है, उस समस्या का समाधान छात्र खुद ही करता है। ठीक है, सोर्सेज वो खुद ढूंढता है, स्टेप्स वो खुद बनाता है, उसकी फ्लो चार्टिंग वो खुद करता है, कैसे कैसे स्टेप्स उसको देना है प्रोग्राम को समस्या के समाधान के लिए, क्या उसकी स्ट्रेटेजी होगी, कहाँ से शुरू करेगा, किस तरीके की भूमिकाएं होंगी, क्या कंटेंट डालेगा, उसके बाद क्या इसका रिजल्ट आएगा, वो जो कुछ भी वहां पे करना चाहता है, सीखना चाहता है, जिस भी प्रकार का ज्ञान लेना चाहता है, वो स्वयं करके सीखता है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक में जो भी ज्ञान विद्यार्थी को चाहिए होता है, छात्र को चाहिए होता है, वो क्या करता है, खुद अपने ही प्रयोगों से वो सीखता है। इसी प्रकार से विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि क्या होती है, कोई भी समस्या है, समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। ठीक है, विश्लेषण में क्या होता है, एक समस्या जो आती है उसको क्या करता है छात्र, छोटी छोटी समस्याओं में, छोटे छोटे खंड में उनको बांटता है और उन छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। जब हम संश्लेषण में जाते हैं तो ये बिल्कुल विश्लेषण की विपरीत होती है। यहाँ पे जो छोटे छोटे समस्याएं हैं हमारी, जो एक ही सेक्शन या एक ही विषय से रिलेटेड हैं, उन छोटी छोटी समस्याओं को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद उनको एक साथ उनका निस्तारण करते हैं। उसी तरीके से आगमन विधि है, निगमन विधि है, ये सारे जो विधियां हैं ये क्या हैं, छात्र केंद्रित विधि हैं। तो अभी हमने जो है वो पहला देखा कि जो उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण की पद्धति है इसको हम किस तरीके से बांट सकते हैं। तो पहला हमने देखा कि इसके केंद्र में कौन है, यानी कि किसके ऊपर केंद्रित ये विधि है, शिक्षक और छात्र। ठीक है, इन दोनों के ऊपर जो है ये केंद्रित विधि होती है। अब हम आते हैं उपयोगिता के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ यूज, कि इसको यूज यूज करने के लिए किन तरीकों का प्रयोग किया जाता है, इसकी उपयोगिता हम किस प्रकार से करते हैं। अभी जो हमारे कोर्स में आया हुआ है, नया टर्म है, बिल्कुल नए तरीके से आया है, इसके पहले हमने इन टर्म्स को नहीं पढ़ा है। दो टर्म्स आए हैं हमारे पास, एक टर्म आया है ऑफलाइन और दूसरा टर्म हमारे पास आया है ऑनलाइन। ठीक है, ये दो टर्म हमारे पास आए हैं, ऑफलाइन उपयोग और ऑनलाइन उपयोग पद्धतियों का। ऑफलाइन उपयोग की जब हम बात करते हैं तो जो अभी हमने केंद्रित विधियां जितनी भी, चाहे शिक्षक केंद्रित पढ़ी हमने, चाहे छात्र केंद्रित पढ़ी, जितनी भी विधियों का हमने यहाँ पे अध्ययन किया है, या और भी कई विधियां हैं जो यहाँ पे शायद हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन और भी बहुत सारी विधियां हैं, ये सारी विधियां ये कहाँ पे आती हैं, हमारे ऑफलाइन मेथडोलॉजी में आती हैं। ऑनलाइन की जब हम बात करते हैं तो ऐसी विधियां जहाँ पे कंप्यूटर की और इंटरनेट की, ठीक है, ऑनलाइन विधियों के अंतर्गत कंप्यूटर विद इंटरनेट, जहां पे इन दोनों की जटिलताएं हो जाती हैं, यानी कि कंपल्सरी होता है, वो क्या कहलाती है, ऑनलाइन विधि कहलाती है। ऑफलाइन आपको समझ में आ गया, ऑफलाइन जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे छात्र केंद्रित हैं चाहे स्टूडेंट केंद्रित है, अगर हम लोग
परंपरागत विधियों में जा रहे हैं कि जो हमारी शिक्षण की विधियां हैं, शिक्षण की विधियों में अगर हम जाएं, हमने पहले भी पढ़ा था शिक्षण की विधियां, मैंने आपको बताया था दो तरीके की विधियां होती हैं, एक अपने पास परंपरागत है और दूसरा अपने पास शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपागम के रूप में है। ओके, शैक्षिक प्रौद्योगिकी मॉडल्स के रूप में, बेसिकली ये परंपरागत विधि है, परंपरागत मॉडल के रूप में है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपागम यानी कि टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मॉडल, इसके अंतर्गत हम लोग आते हैं। अब इनमें परंपरागत में ये सारी विधियां जो हैं लगभग लगभग कंटिन्यू होती हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं हम लोग जिनमें यंत्रों की, जिनमें मशीनों की विशेष प्रकार से उपयोगिता होती है, ऐसी विधियों को हम शैक्षिक प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे LCD प्रोजेक्टर है, OHP है, स्मार्ट बोर्ड है, बुलेटिन डिस्प्ले है, डिस्प्ले बोर्ड्स हैं, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, ये इसमें आती हैं। तो चाहे हम इनकी विधियों को लें या फिर हम केंद्र में आए हुए विधियों को लें, ये सारी विधियां कहाँ आती हैं, ऑफलाइन मैथडोलॉजी में आती हैं। ऑनलाइन के अंदर अगर हम लोग जाते हैं, ये ऑफलाइन मैथडोलॉजी ऑलरेडी हमने काफी कुछ पहले भी पढ़ा है, ये काफी कुछ हमने इसमें भी देख लिया, ठीक है। ये विधियां ये कम्प्लीटली यही होती हैं। ऑनलाइन के अंतर्गत हम लोग आते हैं, ऑनलाइन में हमारे पास अभी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तीन विशेष प्रकार की विधियों को जो है सिलेबस में डाला गया है। पहली है स्वयं, दूसरी है स्वयं प्रभा और तीसरी है मोक्ष, ठीक है। पहली है स्वयं, दूसरी स्वयं प्रभा और तीसरी मोक्ष, ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट जो है मेथडोलॉजीज हैं, इनमें कुछ प्रयोग में लिए जा रहे हैं, कुछ पे काम अभी चल रहा है। तो ऐसी ऑनलाइन विधियों को हम, इनके अलावा और भी कई विधियां हैं जिनको हम ऑनलाइन मेथडोलॉजी के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। आज समय हो गया है, कल की क्लास में हम लोग ये वाला हिस्सा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।